ओके, क्वेश्चन गिवन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल कंटेनिंग द पॉइंट्स दिस दिस एंड विद द सेंटर ऑन द लाइन एक्स माइनस फाइव प्लस टेन इज इक्वल टू जीरो। यानी एक ऐसा सर्कल जो इन दो पॉइंट्स में से गुजर रहा है और इसका जो सेंटर है वो इस लाइन के ऊपर, ये एक लीनियर लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, इस लाइन के ऊपर मौजूद। तो अगर मैं इसका सर्कल कुछ इस तरह से बना लूँ, मिसाल के तौर पे मेरे पास एक सर्कल बन जा रही है, ठीक है, इसमें से मैं सपोज ये मेरे पास एक सर्कल बन रहा है और ये एक लाइन है, एक लाइन है, ये मतलब उसको यू कह लीजिए कि ये वो लाइन है जिसकी इक्वेशन हमारे पास है एक्स माइनस वाई प्लस टेन दैट इज इक्वल टू जीरो, और ये सेंटर इस लाइन के ऊपर यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। सपोज करिए वो सेंटर है जिसके कोऑर्डिनेट्स है माइनस जी एंड माइनस एफ, ठीक है, ये इसके कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स ये हमारे पास आ रहे हैं। अच्छा, ये दो दो पॉइंट्स ये इसी सर्कल के ऊपर मौजूद है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे, जो सोल्यूशन करेंगे, कि हमारे पास एक दो सिमल्टेनियस इन दो पॉइंट्स के पुट अप करने से आ जाएगी। मिसाल के तौर पे इक्वेशन ऑफ द सर्कल जो हमारे पास है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी दैट इज इक्वल टू जीरो। सो पुट माइनस वन एंड माइनस वन एंड द इक्वेशन। हमारे पास आ जाएगा माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस टू जी एक्स, तो प्लस टू जी एक्स इज माइनस वन प्लस टू एफ वाई इज माइनस वन प्लस सी दैट इज इक्वल टू जीरो। सो ये वन प्लस वन माइनस टू जी माइनस टू एफ प्लस सी दैट इज इक्वल टू जीरो। ओके, सो वन प्लस वन टू, सो द टू माइनस टू जी माइनस टू एफ प्लस सी दैट इज इक्वल टू जीरो। आप इनको इन पूरे को दूसरे साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस टू जी, जब उधर चला जाएगा तो प्लस टू जी हो जाएगा, प्लस टू एफ हो जाएगा, और ये माइनस सी, जबकि टू अपनी जगह पे मौजूद है तो उसका साइन चेंज नहीं होगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन, बल्कि आप उसको सबको ले जाइए, टू को भी लेकर जाइए, तो जब हम टू को भी लेके जाएंगे तो माइनस टू हो जाएगा, या भले उसको रहने दो, माइनस टू ले, इसको ये इक्वेशन आपके पास बना जाएगी, ठीक है। अच्छा, सेकंड इक्वेशन के लिए हमने क्या करना है कि ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ही हमने इक्वेशन के अंदर पुट अप करना है, ठीक है। तो हमारे पास एक जो पॉइंट है वो है थ्री वन, ठीक है, एक्स की वैल्यू थ्री है, वाई की वैल्यू वन है। तो नाउ पुट थ्री वन एंड द इक्वेशन, इससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी थ्री स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस टू जी एक्स इज थ्री प्लस टू एफ वाई इज वन प्लस सी दैट इज इक्वल टू जीरो। तो इस तरह से नाइन प्लस वन प्लस सिक्स जी प्लस टू एफ प्लस सी दैट इज इक्वल टू जीरो। नाइन प्लस वन टेन, तो सिक्स जी प्लस टू एफ प्लस सी, नाइन प्लस वन टेन, दूसरे साइड पे माइनस टेन, ये इक्वेशन नंबर टू हमारे पास आ जाएगी, इक्वेशन नंबर टू। और थर्ड जो एक इक्वेशन आ सकती है वो ये है, कहते हैं कि भाई जो सेंटर है
वो इस लाइन के ऊपर। तो इस इक्वेशन के अंदर हम सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं माइनस जी और माइनस एफ, तो एक्स की वैल्यू हम माइनस जी पुट कर देंगे, वाई की वैल्यू हम माइनस एफ पुट कर देंगे और इस तरह से एक इक्वेशन हमारे पास इस तरह से आ जाएगी। तो जो हमारे पास इक्वेशन है वो एक्स माइनस वाई प्लस टेन, ठीक है, वो हमारे पास इक्वेशन ऑफ द लाइन जो हमारे पास है वो हमारे पास है एक्स माइनस वाई प्लस टेन दैट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। पुट जो सी हमारे पास एच और के की जो वैल्यू है माइनस जी एंड माइनस एफ जो सेंटर है, ठीक है, एंड द इक्वेशन, इससे हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी माइनस जी एक्स की वैल्यू माइनस माइनस एफ जो कि वाई की वैल्यू है प्लस टेन दैट इज इक्वल टू जीरो। जैसे माइनस जी प्लस एफ प्लस टेन दैट इज इक्वल टू जीरो, या आप इसको यूँ लिख सकते हैं कि माइनस जी प्लस एफ इज इक्वल टू माइनस टेन। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप कांस्टेंट को दूसरी साइड पे ले जाएं या इधर ही रख लें इस तरह से, तो ये इक्वेशन थ्री आ जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास तीन इक्वेशन आ चुकी हैं, एक थे माइनस जी प्लस एफ माइनस टेन जो कि है थर्ड नंबर है, सिक्स जी प्लस टू एफ प्लस सी आपके पास सेकंड नंबर है, और इस तरह से टू जी प्लस टू एफ माइनस सी ये हमारे पास जो है थर्ड नंबर है। अब हम क्या कर सकते हैं कि एक दफ़ा इक्वेशन वन और टू को अगर हम ऐड करेंगे तो वी कुड एलिमिनेट सी फ्रॉम बोथ द इक्वेशन, ठीक है, और अगर हम उसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो हम एफ टू एफ को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो पहले हम ये करते हैं कि इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं ताकि सी एलिमिनेट हो, फिर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे एफ एलिमिनेट हो जाएगा और इस तरह से ये एक डिफरेंट इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो हम पहले क्या कर लेते हैं कि एड इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू हम ये शामिल कर लेते हैं, एड इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू। जो इक्वेशन वन है वो हमारे पास है टू जी प्लस टू एफ माइनस सी, टू जी प्लस टू एफ माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, और सिक्स जी प्लस टू एफ प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो सी और सी एलिमिनेट हो जाएगा, तो टू जी प्लस सिक्स जी इज एट जी और 2f प्लस 2f इज 4f इज इक्वल टू जीरो। 4 कॉमन ले लीजिएगा या डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 4 तो ये हमारे पास आ जाएगा 2g, एक काम करें 4 को कॉमन ले लें 2g प्लस f दैट इज इक्वल टू जीरो, 4 को शिफ्ट कीजिए इस साइड में तो 2g प्लस f इस इक्वल टू जीरो, इस तरह से हमारे पास ये एक इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है, टू जी प्लस एफ इज इक्वल टू जीरो। अब हमारे पास हम इन्हीं इक्वेशंस में से ये काम कर लेते हैं कि देखते हैं कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन टू, ये भी हम कर सकते हैं एक और इसमें से टू एफ को हम हटा सकते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट। अब मैं देखता हूँ कि अगर इसमें से हमारे पास इक्वेशन थर्ड में माइनस जी प्लस एफ है, ओके, अब इक्वेशन थ्री और इक्वेशन जो हमारे पास वैल्यू आ रही है इक्वेशन नंबर फोर का नाम, उसको इक्वेशन नंबर फोर हम डाल सकते हैं, ठीक है, तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं, माइनस जी प्लस एफ माइनस टेन और माइनस टू जी प्लस एफ इज इक्वल टू जीरो। तो हम ये कर सकते हैं कि ये प्लस एफ है, ये भी प्लस एफ है, और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर थ्री फ्रॉम इक्वेशन फोर, ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थ्री
from equation 4. Equation 4 हमारे पास है 2g plus f is equal to 0, और वो है minus g plus f is equal to कुछ इस तरह की है, मैं इसको जरा देख लेता हूँ कि क्या है. माइनस जी प्लस एफ इज इक्वल टू माइनस टेन, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस टेन. ओके, तो ये वाली इक्वेशन. अब इन दोनों इक्वेशन को जब हम क्या करते हैं कि जब हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो इससे साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा. अब इन ये एफ और माइनस एफ कैंसिल हो जाएंगे, टू जी प्लस जी एस थ्री जी इज इक्वल टू टेन हो जाएगा, जी इज इक्वल टू टेन अपॉन थ्री. इस तरह से मेरे पास जी की वैल्यू आ चुकी है. अब इस जी की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर जो फोर है या इक्वेशन नंबर टू है, हम इसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है, इक्वेशन नंबर थ्री के अंदर डाल सकते हैं. पुट जी इज इक्वल टू टेन अपॉन थ्री इन इक्वेशन थ्री के अंदर डाल दीजिएगा, तो माइनस और जी की वैल्यू टेन अपॉन थ्री प्लस एफ इज इक्वल टू माइनस टेन. इस तरह से मैं एफ इज इक्वल टू माइनस टेन प्लस टेन अपॉन थ्री, यानी एडिंग माइनस टेन अपॉन थ्री टू बोथ, प्लस टेन अपॉन थ्री टू बोथ साइड्स, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी. और फर्दर जब हम इसको हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास ये वैल्यू एफ इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू, ये एलसीएम 3R है और ये माइनस 30 हो जाएगा प्लस 10, तो एफ इज इक्वल टू माइनस 20 अपॉन 3. ठीक है, ये मेरे पास एफ की वैल्यू आ गई है, जी की वैल्यू भी आ चुकी है. फर्दर मेरे पास सी की वैल्यू जो मुझे चाहिए, उस सी की वैल्यू के लिए जी और एफ की दोनों वैल्यूज मेरे पास जो है किसी भी इक्वेशन नंबर जिसके अंदर सी है, इक्वेशन नंबर टू के अंदर डाल सकते हैं, इवन इक्वेशन नंबर वन के अंदर भी आप डाल सकते हैं. तो चलिए हम इक्वेशन नंबर वन के अंदर डाल देते हैं. पुट द वैल्यू ऑफ जी एंड एफ इन इक्वेशन नंबर वन, ठीक है, और जी की वैल्यू इक्वेशन नंबर वन पहले मैं लिख लेता हूँ. Put the value of G and F in equation 1, ठीक है. तो सबसे पहले हमें G की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो 10 अपॉन 3 है, और f की वैल्यू माइनस 20 अपॉन 3 है, और जो इक्वेशन है वो है 2g प्लस 2f माइनस c इज इक्वल टू 0. एक नज़र देखो, हाँ, 6g प्लस 2f माइनस प्लस c, हाँ, 2g प्लस 2f माइनस c इज इक्वल टू माइनस 2, सॉरी. तो ये मेरे पास आ जाएगा, इक्वेशन मेरे पास आ रही है इसकी 2g प्लस 2f माइनस c इज इक्वल टू माइनस 2. तो 2g की वैल्यू 10 अपॉन 3 प्लस 2f की वैल्यू माइनस 20 अपॉन 3, और आई एम श्योर ये माइनस c दैट इज इक्वल टू माइनस 2. c यस c इज हमारे पास, हाँ, c माइनस c, ठीक है, सही है. तो ये हमारे पास, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. ये 20 अपॉन 3 माइनस 40 अपॉन 3 हो जाएगा, माइनस 40 अपॉन 3 माइनस सी दैट इज इक्वल टू माइनस 2.
इसका जो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा, बल्कि आप इसको यू कर लीजिए कि सी को उधर ले जाइए तो ये प्लस सी हो जाएगा, और टू को माइनस टू को इधर जब हम लेकर आएंगे तो 20/3 -40/3 +2 हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे पास आ जाएगा सी इज इक्वल टू एल सी, मेरे पास 3 आ रहा है और ये 20 -40 +3 2 6, ठीक है। तो सी दैट इज इक्वल टू माइनस ओके 20 + 20 -40 + 20 इज -20 और -20 + 6 इज -14, तो -14/3। तो सी की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है, जी की वैल्यू भी आ चुकी है और एफ की वैल्यू भी आ चुकी है। तो ये वैल्यूज़ हम इक्वेशन के लिए डाल देते हैं, तो जो मेरे पास इक्वेशन ऑफ द सर्कल बन जाएगा वो आ जाएगा x² + y² + 2, जी की वैल्यू बल्कि मैं एक दफा लिख लेता हूँ +2fy + c एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब x² + y² + 2 जी की वैल्यू 10/3, 2gx + 2f की वैल्यू -20/3, 2fy + c, c की वैल्यू इज -14/3। तो x² + y² + 20/3x -40/3fy, यहाँ मैंने एक गलती करी है, f की वैल्यू डाली है, यहाँ पे y आ जाएगा, ठीक है। तो -40/3 और -14/3 दैट इज इक्वल टू 0। तो ओके, इसमें से हम ये कर सकते हैं कि एलसीएम ले ले, 3 सबका एलसीएम अगर हम 3 ले लेते हैं तो मेरे पास ये आ जाएगा 3x² + 3y² + 20x - 40y। अगेन दिस इज अ लिटल मिस्टेक, y एंड -40y -14 दैट इज इक्वल टू 0। 3 वी विल ट्रांसफर 3 टू द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन, तो हमारे पास इस तरह से वैल्यू आ जाएगी, फाइनल इक्वेशन आ जाएगी 3x² + 3y² + 20x - 40y, 40y - 14 दैट इज इक्वल टू 0। ये 3 उधर जाके 0 हो जाएगा एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो असल में मैच नहीं कर रहा और उसकी सिर्फ एक छोटी सी गलती हो गई है। वो गलती मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो गलती हमारे पास छोटी सी गलती आई है उसकी वजह से जी एफ और सी की वैल्यू चेंज हो गई है। वो ये वाली है कि जो 2g को मैंने इधर शिफ्ट किया दूसरे साइड पे, तो +2g हो गया, -2f + 2f हो गया, +c - c हो गया, ठीक है। लेकिन 2 को इधर ही रखना था तो ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, यहाँ मैंने नेगेटिव साइन लगाया है। बस इस क्वेश्चन के अंदर एक ये वाली गलती है, अगर आप इसको रिमूव कर देंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी ये वाली गलती, मैं अभी इसको यहाँ पर रिमूव नहीं कर रहा इसलिए कोई साथ, लेकिन आप इसको ज़रा अंडरस्टैंड कीजिए कि ये वाली जो गलती है जो कि -2 की जगह ये +2 है, ठीक है, एक्चुअली +2 है यहाँ पे, ठीक है। इसको आप सही कर लीजिए, बाकी आपका आंसर जो है मैच कर लेगा, जी एफ और सी की वैल्यू भी मैच कर देंगे और इससे जो इक्वेशन ऑफ द सर्कल आ जाएगी वो आपके पास सही आ जाएगी। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है जो कि जाके इसकी वजह से जी एफ और सी की वैल्यू गलत आ चुकी है और इससे फिर इक्वेशन भी मैच नहीं कर रहा हमारा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, मेथड भी वही है, सब कुछ वही है, ठीक है।